भ्रम की राजनीति कौन कर रहा है? भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए था वो काम ना करके वो विपक्ष पे डालना चाहती है। अरे आपकी आपकी नियत और आपकी जो प्लानिंग है वो गड़बड़ है। जो पूरे विश्व ने जिसको आप इसराइल सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, उसने भी अप्रैल के महीने में अपनी वैक्सीन बुक करा दी थी कि हमें वैक्सीन चाहिए, उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया था। आपने क्यों नहीं दिया? आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? एक साल पहले का कोरोना आया हुआ था, आप अगर ऑर्डर दे दिया होता तो आज तक हमारे यहाँ वैक्सीन होती। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने वैक्सीन का ऑर्डर नहीं दिया, वैक्सीन यहाँ बनाई नहीं। सर और फिर अभी आप आपने कहते वैक्सीन हैं के एक ऑर्डर तारीख की से यहाँ बात पे कर रहे अठारह हैं, सर आपके नेता क्या बोल रहे थे वैक्सीन को कि बीजेपी की वैक्सीन मेरे है, नेता कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं तो लगवाऊंगा। आप लोगों हाँ ने तो मैं भ्रम भी आपको तो जवाब दे फैलाया दे रहा ना हूँ। अनुराग भदौरिया। नहीं, हमारे नेता ने और हमने साफ साफ कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जिसमें भारतीय जनता पार्टी लिप्त है, तो क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? जिस तरह से लाश से यहाँ पे नदियों में तैर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार नहीं है? जमीन की हकीकत ये बताएं कि ऑक्सीजन की व्यवस्था इन्होंने कर ली थी, इनका भ्रष्टाचार नहीं है? क्या इन्होंने हॉस्पिटल की व्यवस्था कर ली थी? क्या वेंटिलेटर की व्यवस्था कर तो ली थी? यही तो क्या बात है एम्बुलेंस ना यहाँ कि खड़े खड़े सड़ वैक्सीन रही को है? लेकर बताएं अनुराग, भारतीय जनता अगर पार्टी भ्रम नहीं भ्रष्टाचार कर फैलाया रही है? जाता तो लोगों एम्बुलेंस में की एक अलग व्यवस्था तरह कर का ली थी? उत्साह ये रहता। भारतीय जनता पार्टी को शुरू में ही नहीं, अगर बड़े भारतीय जनता नेताओं की पार्टी ओर से इस तरह का बड़बोलापन दिखाया जाएगा तो फिर उसका असर क्या होगा? ये बड़ा, अब अपनी बात खत्म कीजिए, बड़बोलापन सब लोग नहीं, इसका जवाब देंगे। सरकार को वैशाल आईना जी, दिखाया जाता है कि हाँ सरकार को आईना दिखाना जरूरत है कि सरकार आपकी चित्रा नीति जी। ठीक नहीं है, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, आप देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? देश को आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो लेकिन काम क्या कर रहे हो आप? आप देश को बोलते हैं हम आएंगे तो बुलेट ट्रेन देंगे, क्या दिया आपने हिंदुस्तान को? आज मौतें नहीं है, आपने कोरोना करके चुनाव करा के, कभी उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव करा के अपने यहाँ कोरोना गाँव गाँव तक पहुंचा दिया, और दूसरे स्टेटों में चुनाव करा के आपने हर स्टेटों में कोरोना फैला दिया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए ना, क्या इस तरह का चुनाव जरूरी था? क्या इस तरह के जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं पार्लियामेंट सदन, ये जो वहां पे इतना भव्य बनाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, हिंदुस्तान तड़प रहा है, संबित पात्रा ऑक्सीजन इसका मांग से जवाब तड़प देंगे, तड़प के लेकिन लोग उसके पहले मर रहे विशाल हैं, मिश्रा जी लोगों आपका के भी एक घरों घरों में कमेंट जल्दी मौतें से हो मैं रही ले है। लेती हूँ। क्या इसकी यह जिम्मेदारी हमारे सरकार सिस्टम लेगी को तो कौन ध्वस्त लेगा? कर रही है। राहुल गांधी सीधे सीधे यहाँ पर नाकामियों का सीधा सीधा ठीकरा सरकार के ऊपर मरने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों की जवाबदेही भी तो तय की जानी चाहिए ना। केंद्र की गलतियां तो है ही, लेकिन अगर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है और कोरोना पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से करती हुई पार्टियां नजर आ रही हैं, क्या ये वक्त नहीं है कि जब इससे निकलकर कम से कम देश को एक बेहतर दिशा में लेकर जाएं और हम आईना दिखाएं? क्योंकि मौजूदा वक्त आपको लग रहा है कि राजनीति करने का है विशाल मिश्रा? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई है, नंबर एक। नंबर दो, आज जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ये समस्त विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र का परिणाम है। आप देखिए ना, द आई एम नॉट वेरी सरप्राइज विद दिस लेटर बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। चित्रा जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज किसकी ये चुप्पी अभी से, जो है जेपी नड्डा अभी जी की या अभी ये सोनिया गांधी जी की? नहीं, ये जो कांग्रेस और ये जो अभी हमारे अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे, इन लोगों के जो व्यवहार हैं, जो ये पत्राचार का माध्यम चल रहा है चित्रा जी, बड़ा ही निराशाजनक है। लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है, आज की डेट में ये अपने राजनीति की ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। आप देखिए जरा, ये बार बार विस्टा प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और इनको कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नए विधानसभा परिसर का निर्माण नहीं दिख रहा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, राहुल जी के साथ साथ ये जितने भी कांग्रेस नेता हैं, आप जरा इनके आचरण का दोहरापन तो देखिए। अभी कुछ ही दिन पहले जो कांग्रेस की सरकारें हैं जहां पर, वो टीकाकरण के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे थे, आज आप देखिए किस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये अनुराग भदौरिया जी सपा के जो है बैठे हैं, जब वैक्सीन आई थी तब बोल रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, जनता के बीच में भ्रम पैदा किया। अरे आपने लगवाया भदौरिया जी की नहीं लगवाया? नहीं लगवाया तो हाथ जोड़ता हूँ, जवाब लगवा दे दूं? लीजिए और जनता के अच्छा, सामने आप आकर मेरी कहिए बेटी के प्रवक्ता कि आप बन भी के आए टीका हैं, लगवाइए। राजनीति भ्रम विशेषज्ञ बन के आए फैलाते हैं, हैं बीजेपी के आप प्रवक्ता लोग, भ्रम जनता फैला के रहे लिए हैं, प्रवक्ता है, आप आसंत लोग की भ्रम फैला राजनीति रही हैं, करते लोगों की हैं, मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन आप मिलने लोग लोग आसंत तड़प का रहे हैं, जीवी लोगों की है, मौतें हो रही हैं, आप ऑक्सीजन लोग मिलने लोग आसंत का तड़प रहे जीवी हैं, है। लोग तड़प रहे हैं, बताइए लोग तड़प रहे हैं, कौन जान से के लोग ऑक्सीजन तड़प रहे का हैं, एक्सपोर्ट हो हजारों रहा था, हजारों मैन्युफैक्चर लाखों लोगों ऑक्सीजन के का परेशान एक्सपोर्ट हैं, हो रहा था, राजनीति बातें फिर कर रहे हैं, लैब आप में राजनीति घूम के बातें कर ऑक्सीजन रहे हैं, चला रहे, समाज इसका के लिए एक्सपोर्ट कांग्रेस नहीं हो हो रहा रहा था था, और आप और सरकार आपने की जिस तरह जिम्मेदारी से बताई बताया कीजिए, 20 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी की 2020 सरकार की है चिट्ठी जिसकी पड़ी थी, वजह से जब गलत अधिकारियों सरकारों को से पूरा कहा गया हिंदुस्तान था आज कि आप हफ्ते हिंदुस्तान आओ मौत के मुंह पर जा ऑक्सीजन रहा का है, प्लांट क्योंकि स्टेब्लिश ये करें, कोई ऑक्सीजन की जनवरी व्यवस्था नहीं कर पाए, फरवरी जिनको में यहाँ केंद्र ऑक्सीजन सरकार के चाहिए, द्वारा हर हॉस्पिटल चिट्ठियां में जारी ऑक्सीजन की लगाने जाती की है जरूरत थी, कि एक आप साल लोग पहले बीजीवीएफ के पहले लिए ही
तैयार हुए तब क्या राज्य सरकारें क्यों हो रही थी और बार बार हम चुनाव की बात करते हैं। एक करके भी बात करने के तो दर्शक ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। थोड़ी सी संवेदनशीलता भी दिखाइए आप लोग। बंद कीजिए तो मैं एक एक करके अपनी बात करती हूँ। तब आपके मुंह में नहीं जमाता आज आपने कि चुनाव कराना जरूरी था। क्या आप चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया बताइए। लोगों की मांग हुई है तो इसका अंदाजा नहीं है। इसलिए इसलिए टीवी पे बैठ के कम से कम मानवता रखिए। ये उन्हें सारी आरोप की राजनीतिक पार्टियां एक टेबल पर रही है और बैठी कि हमारा दिखा दीजिए। आज दोनों की बातों से कोई बात समझ में नहीं आ रही है।